મારો પ્યારો રાજસ્થાન, મારો પ્યારો રાજસ્થાન. ઊંચો ગઢ ચિત્તોડી અડિખ હે તીરથ દુનિયા જાણી, આઝાદી કી બલિ દે દી ઓર દી પ્રતાપ કુરબાની. એક એહસાન મેવાડ ધરા પર પન્ના ધાય ગુજરાણી, ઉદય સિંહ કે પ્રાણ બચા કર દી શુદ્ધ કી કુરબાની. હું લડ્યો ઘણો, હું સયો ઘણો, મેવાડી માન બચાવ્યો, પણ આજ નહીં રાખી રણને બેરારો ફૂલ બહાવણે. જજ યાદ કરો હળદી ઘાટી નૈરાશો રક્ત ઉતર્યા રે, સુખ દુઃખ રો સાથી જે તકડો સુતીશી ઓ જગાયા. હળદી ઘાટી રાટીલા હૈ મારા વીર ઘર ધરતીલા હૈ, વીરાઈ આ બાતા બતા દે. आप लोगों से क्या छुपे हैं, आप भी उस आबू पर्वत की श्रृंखलाओं से मिले हुए. बोले महाराणा प्रताप की, मैं रजपूतन रो चायो हूँ, रजपूती आन बचाऊना, मैं रजपूतन रो चायो हूँ, रजपूती आन बचाऊना. મારો શીશ પડે પર પાગ નહી, આહા જો ધર્મ બાણા. રાખો તે મૂછા એ ટોડી લોયારી નદી બહા ધોલા, મેં અથક લડુલા અકબર શું બુઝ્યો મી વાત બસા ધોલા. આજુ અમર ઓર અડીક શક્ર રાખવા વાલા મારા મેવાડી સરદાર મહારાણા પ્રતાપ. ઓ નીલે ઘોડે રા અશ્વાર મારા, નીલે ઘોડે રા અશ્વાર મારા, મેવાડી સરદાર રાણા. સોણે તારી જઈ જોજી હે મેવાડી રાણા, સોણે તારી જઈ thank you.
पीछे तक चढ़ गयो हाथी पर जद मान सिंह घबरा और भालो फेंक्यो महाराणा जद ओ लोटी फोड़ा रम गमा और चेतक तन सुंबहे पनाड़ा दर्द भरे न जाए। चालो गयो आकाश रे माही पात्र लोह लवाए। हल्दी घाटी में वो महान ओजस्वी युद्ध हो रहे हो और युद्ध रे माही ने चारों तरफ खून की नदियां बह रही है। चेतक रे बदन सु भी खून बह रहे हैं। महाराणा प्रताप चेतक सु नीचे उतर गया और चेतक कह दियो कि महाराणा प्रताप मारे कंधे माथे बैठा रहो, मैं अपने हल्दी घाटी युद्ध पार करा। चित्तौड़ी मेवाड़ी रानी ने वचन दियो वा वचन निभानो छो। महाराणा प्रताप क्यों चेतक थारे तो बदनसु खून ना पनाला बैरा तू तो मर जावेला। फिर भी चेतक कहे कोई बात नहीं राणा, आप मारे कंधे माथे बैठो, मैं मारो वचन निभानो हो। मने राणा चित्तौड़ राजा महाराणा प्रताप ने अमर और अडिग युद्ध भूमि रे पार ले जाओ। महाराणा प्रताप पाछा वड़ो चेतक रे कंधे रे माथे बैठ गया। चेतक वह युद्ध भूमि ने पार कर एक बहुत बड़ो नालो पार करा, गिर पड़े हो और महाराणा प्रताप चेतक ने बेतक आप गोद में लियो। चेतक ने पूछो कि चेतक मैं तो राजा, हम इंसान है राजा है, हमें महल दोबारों की सुख शांति की प्रजा की भूख होगी, लेकिन तू तो एक घोड़ा है जानवर है, मुझे इस मातृभूमि से इतना प्रेम क्यों, तू क्या चाहता है पता? उस चेतक ने जवाब दिया, राणा जितना आपको इस मातृभूमि से प्रेम है मुझे उससे कट इस मातृभूमि से प्रेम है। एक बार सभी लोग इस महान जानवर घोड़े के लिए बोले चेतक महान की। मिट जाने को मिट जाओ जवानी में अगर कुछ कर लिया कमा लिया तो ठीक है, इसमें रह गए तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। उन आँखों का हंसना भी क्या, प्यार कर दो घड़ी दो घड़ी हो लेकिन सत्य घटना है ये है। आप गौर करके सुनेगा उस वक्त महाराणा प्रताप के साथ रेल में हुआ क्या। हल्दी घाटी का युद्ध का ऐलान किया महाराणा प्रताप, कोई नहीं चाह रहा कैमरा लापजी जी युद्ध हार गए महाराणा प्रताप, युद्ध भूमि छोड़कर जाना पड़ा, महल चौहारे चित्तो दुर्ग छोड़कर जाना पड़ा। जब जंगलों में गए तो उस वक्त महाराणा प्रताप को दुख हुआ कि मैं किन लोगों के लिए युद्ध लड़ने के लिए गया, किन लोगों के लिए मैं अपनी पाग दिन रात सर पे उठाए चलता हूँ, किन लोगों के लिए मैंने अपना लोगों का रक्त बहाया, किन लोगों के। उस वक्त आपका बेटा अमर सिंह ने रोटी निभाने वास्ते बिलकता देख महाराणा प्रताप रे आंखों से आंसू टपक पड़ा और विचार किए हो गए अब तो गुलामी करनी पड़ेगा। और उड़वत हूँ लड़ो घड़ो हूँ सयो घड़ो मेरा खून बहा रे।
रण्यो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पांच नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने जद याद करो हल्दी घाटी नैना सु रक्त उतर आवे हो सुबुद करो साथी जे तकड़ो सुरजी सी हो पुछना करो फिर भी पण आज बिलख तो देखूं हूं मारे राज कवर ने रोटी ने और वो छात्र धर्म ने भूलू हूं भूलू हिंदवाड़ी चोटी ने महला में 56 भोग था मनवार बिना करता कोनी और सोनेरी थाड़ा नीलमड़ा बाजोड़ बिना करता कोनी वो मारा अमर सिंह आज दो निवाला रे वास्ते जन्नत पत्र लियो हाथ में फिर विचार कियो पर लिखू किया जद देखे है आडा बल ऊंचो नियो लिया मारो चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सो लियो छिया मैं झुकू किया हूँ आन मने कुड़ा केसरिया बनारी और मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवाना पर हजारों कोशिशों के बावजूद दिल ने बहला महाना प्रताप आप पत्र लिख दियो अकबर ने कि अकबर बादशाह मैं मेवाड़ी राजा महाना प्रताप आज थारी अधीनता स्वीकार करूं जब वो पत्र अकबर ने पास गए तो अकबर ने एक बार खुदरी आंखों में विश्वास को नहीं वो पैर और नीचे से धरा सरक गई कि महाना प्रताप मेवाड़ी वो झुक जा रहे हो नहीं सके महाना प्रताप अपना मित्र पृथ्वीराज सिंह की राठौड़ ने बुलावे भिखारी सूर कहवे की पीथल जिनरा बखान करता सका थारे मुखसु कदे शब्द गुनी कम पड़ता आज वो मेवाड़ी पाग मारे पगा में है और अब बता मने किन रजवट रे रजपूती खून रगा में अब बता अगर किसी राजपूत के रगों में वो रजपूती खून तो बता पीथल रे आंखा श्वास बहन लगा कि मारो महाना प्रताप झुकेला नहीं बड़ वक्त पीथल महाना प्रताप सोई चेतना जगाने वास्ते सोई चेतना जगाने वास्ते कुछ ऐसा शब्द लिखा जो महाना प्रताप ने दिन में चुभ गया और उन दिन में बाहर महाना प्रताप वचन दियो कि मैं इंतजार है वास्ते मर बिटूला पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इंतजार है गुलाम नहीं हो दो और वो शब्द क्या जरा गौर करके सुनेगा मैं आज सुनियो हा सूरज लो आखर पड़ता ही राणा री आख्या लाल हुई और धिकार मने में कायर हुई नाहरी एक धक्काल हुई राखो थे मूछा है थोड़ी लोयारी नदी बहादुला महाना प्रताप पाछो जवाब लिखियो कि अब बस राखो ते मूछा है थोड़ी लोयारी नदी बहादुला और मैं अथक लड़ूला अकबर सुमुझड़ू मेवाड़ बसादुला एक बार अरे महाराणा प्रताप की शक्ति सिंगरी हर चुक चुक गई Thank you.